केंद्र सरकार वालों पास किए नवे खेती बिलों के विरोध में अज जिथे किसान जथेबंदियों वालों लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उत्थे ही इन्हां नवे खेती बिलों नाल प्रभावित होने वाले आढ़तियों ने भी केंद्र सरकार के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिता है। पंजाब आढ़ती फैडरेशन पंजाब के प्रधान विजय कलड़ा की अगुवाई पंजाब हरियाणा राजस्थान के आढ़ती एसोसीएशन सूबा प्रधानों वख-वख खेतरां दे प्रधानों की एक मीटिंग बलोट विच हुई। बलोट विच हरियाणा तो आए आढ़तियों नाल एक विशेष गलबात की गई। और मोदी ने इतनी लोकप्रियता मोदी जी की है तो बेल्ट पे चुनाव करा के देख लो, पता लग जाएगा। बड़ी बड़ी जितने देश हैं फॉरेन से जहाँ से ये मशीनें आई हैं ईवीएम, वहाँ ईवीएम पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा? बेल्ट पे चुनाव कराओ, पता लग जाएगा। आज बीजेपी ने ईवीएम में ऐसी सेटिंग कर रखी है और पांचवा वोट बीजेपी को पड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस के घेरो चाहे अदर पार्टी के घेरो। अगर मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है तो बेल्ट पेपर से चुनाव करा के देख लो, पता लग जाएगा। 303 की जगह 70 सीट नहीं रहे तो ये तो जो है सिर्फ ईवीएम और मोदी की तानाशाही। और आप लोग भी फील कर जाओगे, जो न्यूज चैनल है सब मोदी ने खरीद रखे हैं। सुशांत सिंह हमारा मामा लग गया, सारा ध्यान सुशांत सिंह पे। मोदी का एक के काम है, पैर के चोट लग रही हो तो सिर पे मार दो, अगला पैर वाली भूल जाएगा, सिर वाली ठा लेगा। तो मोदी ने तो ध्यान डाइवर्ट करना है देश की बेरोजगारी पे, देश की अर्थव्यवस्था पे। जीडीपी 24% गिर गई, उसका कोई ध्यान नहीं। उसका ध्यान तो एक के है भाई, विदेश में घूमना, रोज नए सूट पहनना, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ी में घूमना, अपने मौज ले रहे हैं। अगला सोचे पता नहीं फिर इसे दिन आऊँगे नहीं आऊँगे। और गलती हम लोगों की, मैंने मन से भी कहा था, आज हम लोग किसी अविवाहित को मकान किराए पे कौन दिन दे, और हमने इन लोगों को देश और प्रदेश दे दिया, तो दे दिया तो भाई भुगतना तो पड़ेगा। किसानों के और क्या नाम व्यापारियों के और आढ़तियों के सब ने और मजदूर साथ लगे हुए हैं। हरियाणा में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा बरोदे का चुनाव है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एक MLA की डेथ हो गई थी। अभी वहाँ देखना क्या हालात बीजेपी की होगी, आपके सामने आओगी देखने की योग्य होगी। क्या कार्रवाई जो खट्टर सरकार की है किसानों के प्रति और आढ़तियों के प्रति, कैसा व्यवहार है? और उनकी जो सहयोगी पार्टी है JJP, उसके पास इतनी पावर है वो किसानों के हक में और आढ़तियों के हक में सरकार को हिला सकती है, उसके बारे में क्या कहना? JJP पार्टी के बारे में तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनके जो दादा थे किसान मसीहा थे, चौपड़ दादा चौधरी देवलाल जी, वो ना तो अपने दादा की तरफ लिखाया भाई तू किस परिवार से है उसकी तरफ भी नहीं लिखाया, और न ही किसानों की तरफ से लिखा। किसानों को ने उसको वोट BJP के खिलाफ दी थी, और आज जब किसानों ने ज़रूरत पड़ी तो पीठ दुखा के, जैसे पीठ दुखा के भाग जाता है नहीं, ऐसे किसानों से भाग गया और मुंह फेर लिया। उसके बारे में तो ये कहूँगा, और अक्सर अवसर पड़ोसी आदमी है, उससे आगे किसान जब कोई टाइम आओगा अपना बच के बदला ज़रूर लेंगे। मोदी सरकार के बारे में अभी तक का जो उनका कार्यकाल रहा है क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश संतुष्ट है, आढ़ती है, जो किसान जो भी है, आप कैसे देखते हो? कहाँ देश संतुष्ट है मोदी से? किसान सड़कों पे बैठे, रेलवे लाइन पे बैठे, सरेआम उनका लठ लगन लग रहे, कैसे संतुष्ट हैं? हमारा हरियाणा गवर्नमेंट का एक MLA कहता है लाठीचार्ज हुई नहीं, दूसरा कहता है विजिलेंस इंक्वायरी करवाऊंगा, तीसरा कहता है CBI इंक्वायरी करवाऊंगा। अगर हरियाणा में इतनी बढ़िया सरकार होती, हरियाणा का BJP का MLA धरने के ऊपर क्यों बैठा चंडीगढ़ में? हरियाणा में इतनी बढ़िया सरकार होती तो JJP के MLA खुले बगावत के ऊपर क्यों आ रहे? एक आज़ाद MLA हरियाणा का जो किसानों की फेवर में बोलता है और BJP को समर्पित है, श्री बलराज कुंडू मैम से बना हुआ है, उसके खिलाफ आज FIR दर्ज होगी। ये तो तानाशाही सरकार है, चाहे BJP इसकी हरियाणा की लगाओ, चाहे आप लगाओ इंडिया की मोदी की लगाओ, ये तो तानाशाही सरकार है। ये तो 24 घंटे तैयार है झूठे साचे मुकदमे दर्ज करने के लिए। इसने तो किसी किसान की परवाह नहीं, किसी मजदूर की परवाह नहीं, किसी आढ़ती की परवाह नहीं, किसी व्यापारी की परवाह नहीं, ये तो तानाशाही चला रखी। उस कुंडू ने क्या किया बेचारे ने, MLA ने किसानों के फेवर मत बोल रहे हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया आज गुड़गांव में। तानाशाही सरकार है तो आपने दोबारा रिपीट कर दी सूबे में, हरियाणा खट्टर को दोबारा ले आए आप? वो का अग्रणी देखता ही कहने लगी बेटे मेरा झोटा घटी है किसी जोड़ मत है, अगर मैं तो डूब जूँ किनारे पे है, अगर मैं तो किनारे पे डूब जूँ, जब डूबा किनारे पे डूब रही हो तो आगे ने क्या रह गई थी, कसर तो कुछ रही थी,
हमारा थोड़ा सा हुड्डा साहब को थोड़ा लेट मिला प्रोग्राम, जो थोड़े दिन पहले मिल जाता हुड्डा साहब को तो वो भी प्रोग्राम हो जाता फिट। अरे लेकिन हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी तो किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, हम तो अपनों ने मार रखे जैसे दुष्यंत चौटाला ने मारे, हम इनके काबू थोड़ा होते, हम तो दुष्यंत वर्गी ने मार दिए, बराबर वोट काट गया, किसानों की वोट ले गया और आज हमने ये दिन देखने पड़े। आप बोलते हैं हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, पानी तो पंजाब से खो रहे हैं ये पानी के मसले के ऊपर बात नहीं है कि उदाहरण दे के बात करी, पानी तो देखो हमारा भाईचारे का सबका झगड़ा है, किसी का किले की प्रॉपर्टी पर है, किसी के मकान की प्रॉपर्टी पर है, किसी का पानी की प्रॉपर्टी पर है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई है, हम दोनों बैठ कर मांग लेंगे, छोटे जी भी बिसार के मांगेंगे, बड़ा अपने आप दे देगा। पंजाब हम पंजाब से इतना अलग हो रहे हैं, पंजाबी था ना। अरे दो भाइयों के हर जगह डिस्प्यूट होते हैं, एक एकड़ जमीन होगी उस पर डिस्प्यूट है, एक मकान होगा उस पर डिस्प्यूट है, दो मकान होंगे उन पर डिस्प्यूट है, ये लूँगा, हमारा भी भाइयों का आपस का डिस्प्यूट है, और आने डाल टाइम में भाई से हम मांग लेंगे पानी, बड़े भाई से छोटा भाई पानी मांगा दे देंगे, वो कोई इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं, ये तो नेताओं की राजगिरी है, नेतागिरी है, ये अपने आप को चमका रहे हैं, हरियाणा वाले हरियाणा में अपने आप को चमका रहे, पंजाब वाले पंजाब में, पानी का इतना बड़ा हमारा भाईचारा है, डिस्प्यूट नहीं, हम प्यार से ले लेंगे जो हमारी इच्छा होगी। और मोदी ने इतनी लोकप्रियता मोदी जी की है तो बेल्ट पर चुनाव करा के देख लो, पता लग जाएगा, बड़ी बड़ी जितने देश हैं फॉरेन से जहाँ से ये मशीनें आई हैं ईवीएम, वहाँ ईवीएम पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा, बेल्ट पे चुनाव कराओ पता लग जाएगा। आज बीजेपी ने ईवीएम में ऐसी सेटिंग कर रखी है और पांचवा वोट बीजेपी को पड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस के घेरो चाहे अदर पार्टी के घेरो, अगर मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है तो बेल्ट पेपर से चुनाव करा के देख लो पता लग जाएगा, 303 की जगह 70 सीट नहीं रह जाए तो, ये तो जो है सिर्फ ईवीएम और मोदी की तानाशाही, और आप लोग भी फील कर जाओगे, जो न्यूज़ चैनल है सब मोदी ने खरीद रखे हैं, सुशांत सिंह हमारा मामा लग गया, सारा ध्यान सुशांत सिंह पे, मोदी का एक के काम है, पैर के चोट लग रही हो तो सिर पे मार दो, अगला पैर वाली भूल जाएगा सिर वाली ठा लेगा, तो मोदी ने तो ध्यान डाइवर्ट करना है देश की बेरोजगारी पे, देश की अर्थव्यवस्था पे, जीडीपी 24% गिर गई उसका कोई ध्यान नहीं, उसका ध्यान तो एक के है भाई, विदेश में घूमना, रोज नए सूट पहनना, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ी में घूमना, अपने मौज ले रहे हैं, अगला सोचा पता नहीं फिर इसे दिन आऊँगे नहीं आऊँगे, और गलती हम लोगों की, मैंने मन से भी कहा था आज हम लोग किसी अविवाहित को मकान किराए पे कौन दिन दे, और हमने इन लोगों को देश और प्रदेश दे दिया, तो भाई भुगतना तो पड़ेगा।